नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चेस एडिक्ट चैनल में। तो मैं आज आपके लिए ब्लैक की तरफ से एक गैम्बिट लेके आया हूँ, जिसे हम बोलेंगे एल्पाइन काउंटर गैम्बिट। हम इसे काउंटर गैम्बिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको एक और गैम्बिट के खिलाफ खेलेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्वींस गैम्बिट। तो अगर वाइट क्वींस गैम्बिट खेल रहा है तो आप इस गैम्बिट को खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेम की। शुरुआत होगी d4, d5 एंड c4। c4 चला है, इसका मतलब जो वाइट है वो क्वींस गैम्बिट के लिए जा रहा है। तो इसमें आप दो तरीके की मेन लाइन होती है कि आप एक्सेप्टेड लाइन में जा रहे हो या डिक्लाइन लाइन में जा रहे हो। अगर आप एक्सेप्टेड लाइन में जा रहे हो तो आप इसको टेक करोगे और यहाँ से ये पॉन नीचे करके बिशप से आपका पॉन ले लेगा। और इसमें वाइट को फ़ायदा रहता है क्योंकि वाइट का जो बिशप होता है वो काफ़ी अच्छे डायगनल में आ जाता है। तो ज़्यादातर हम डिक्लाइन लाइन में जाते हैं। डिक्लाइन लाइन होती है कि आप अपना पॉन बढ़ाओगे और उसके बाद नाइट बढ़ाओगे। तो जो मैं आपको गैम्बिट बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चलना है e5 एल्पाइन काउंटर गैम्बिट। तो इसमें क्या होगा, हमने e5 चला तो देखिए जो हमारा e5 वाला अब जो ये पॉन है ये बिल्कुल फ्री का पॉन है। तो वाइट इसका एडवांटेज लेगा और इसको टेक ज़रूर कर लेगा। अगर वो टेक करता है तो हम इस गैम्बिट को यही खेलने के लिए तैयार हैं। इसमें हम चलेंगे d4, लेकिन आप इस जो c4 वाला पॉन है उसको टेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको टेक करते हो तो यहाँ से जो क्वीन है वो हमारी क्वीन ले लेगा और हमको किंग से लेना पड़ेगा, जिससे हमारी कास्टलिंग भी ख़राब हो जाएगी और उसको एक पॉन का ऑलरेडी एडवांटेज है। तो आप इसको इसमें डिसएडवांटेज में जा सकते हो, तो इसलिए आप इसको टेक नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे d4। तो यही एल्पाइन काउंटर गैम्बिट है। यहाँ से बहुत सारी वेरिएशन है जो मैं आपको हर वेरिएशन तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मैं मेन मेन ट्रैप बताऊँगा जो आप इस गैम्बिट में खेल सकते हो। तो सबसे पहला ट्रैप आता है लश्कर ट्रैप। तो चलिए लश्कर ट्रैप खेलते हैं। इसमें हम खेलेंगे e3। अगर वाइट e3 खेलता है तो देखिए हम क्या करेंगे, वाइट e3 खेलता है तो हम अपना बिशप निकालेंगे, चेक देंगे। तो अब चेक को बचाने के लिए वाइट के पास दो तरीके हैं, या फिर वो अपना नाइट लाए या फिर वो अपना बिशप लाए। तो इनमें से अगर अपना बिशप लाता है तो हम अपने ट्रैप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉन टेक कर लेंगे। अब पॉन टेक कर लिया तो देखिए अब उसका बिशप पे अटैक है और वो बिशप से टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो ये लाइन है ये ऑलरेडी पिन हो चुकी है। तो इसमें ये क्या, इसके पास अब दो तरीके हैं, पॉन मार सकता है या हमारा बिशप मार सकता है। यहाँ से अगर वो हमारा बिशप मारता है देखिए, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा और हम तैयार हैं बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम इस पॉन को टेक कर लेंगे। हमने पॉन को टेक कर लिया तो अब जो राजा है, जो किंग है, उसके पास ऑप्शन है कि वो टेक करे या ना करे। अगर वो पॉन को टेक करता है तो उसकी क्वीन चली जाएगी। तो पॉन को टेक करना उसके लिए बिल्कुल वो नहीं है, और वो डी फाइल में भी नहीं आ सकता है। डी फाइल में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे क्वीन से प्रोटेक्टेड है। किंग है वो डी फाइव में भी नहीं आ सकता है। अब उसके पास जाने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो है e2। अगर वो e2 में जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नाइट में अंडर प्रमोट करेंगे और यहाँ से चेक मिल चुका है। अब उसके पास इस चेक को बचाने के लिए दो ही तरीके हैं, या फिर वो अपने रुक से मार दे। अगर वो अपने रुक से मारता है तो देखिए हमारे पास एक ब्रिलियंट चाल है, वो है हम बिशप बढ़ाएंगे और बिशप के उसको चेक है तो हटाने के उसकी क्वीन चली जाएगी और ये गेम आप आसानी से जीत सकते हो। दूसरा, अगर वो हमारा नाइट नहीं मारता है तो उसके पास जाने के लिए एक ही तरीका है। अगर वो नीचे आता है तो हम फिर से उसकी क्वीन टेक कर लेंगे अपनी क्वीन से। देखिए तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा e1 में। तो अगर वो e1 में जाता है तो देखिए यहाँ से हम कुछ, आपको मैं आगे गेम कैसे कंटिन्यू हो सकता है वो बताता हूँ। हम यहाँ से चेक देंगे पहले तो क्वीन टू h4 चेक g3। अगर वो चलता है तो यहाँ से हम चेक देंगे और ये देखिए बिल्कुल फोर्क हो चुका है, चेक भी, और ये इसका वो रुक चला जाएगा। तो देखिए इस वाले ट्रैप में, इसको हम लश्कर ट्रैप बोलते हैं, इसमें आप गेम आसानी से जीत सकते हो अगर वो फंस गया वाइट वाला। तो इस वाले गेम में देखिए अगर कंटिन्यू करें हम तो ये अब बचाने के लिए हम उसका वो ले लेंगे। उसके बाद अगर वो क्वीन को एक्सचेंज करने के लिए आता है तो पहले हम टेक करेंगे, फिर वो इधर आता है एक्सचेंज करने के लिए। फिर अगर हम एक्सचेंज पर डायरेक्ट चले जाएंगे तो हमारा बिशप भी चले जाएगा। बिशप को बचाने के लिए हमको पहले चेक देना पड़ेगा, तो उसका जो किंग है वो e1 में फिर से जाएगा। तो हम यहाँ से करके अपना गेम आसानी से जीत। अब यहाँ से अगर हम पीसेस की बात करें तो देखिए हमारे पास पूरा एक रुक और एक पॉन ज़्यादा है। तो ये गेम आप आसानी से जीत सकते हो अगर आप इस ट्रैप को यूज़ करते हो। अब चलते हैं पीछे,
देखिए, इस लाइन में मैंने बताया था कि अगर वो बिशप टेक करता है तब का वो हाल था, लेकिन अगर वो पॉन से टेक करता है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, पॉन से टेक करता है तो अब यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये मेन मूव है, तो यहाँ से अब हमारा मेन मकसद है कि कम से कम पीसेस को इक्वलाइज़ करना, जो हम उसने हमारा पॉन लिया है एक्स्ट्रा उसको इक्वलाइज़ करना, और अपने जो बिशप पर अटैक है उसको बचाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक देंगे और ये पॉन नीचे आएगा, तो इसके बाद हम अपना क्वीन लाएंगे e4 में। e4 में लाएंगे तो देखिए यहाँ से हमारे रुक पे खतरा है, तो अगर रुक पे खतरा है तो उसके बाद उसको अपना नाइट निकालना पड़ेगा। नाइट प्रोटेक्टेड है हम इससे, क्वीन से प्रोटेक्टेड है, तो हम उसको मार नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस पॉन को टेक कर लेंगे। पॉन को टेक करेंगे तो देखिए ये जो बिशप है ये टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पिन है, तो ये टेक अगर नहीं कर सकता है तो क्या होगा, तो ये एक्सचेंज के लिए अगर जाता है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। और फाइनली हमारे पास ये पोजीशन आएगी, इसमें हम मटेरियल इक्वलाइज हैं, आप अपने पीसेस को निकाल सकते हो। और आप इस पोजीशन को देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, और जो ब्लैक है वो स्लाइटली एडवांटेज है, तो इस गेम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चलते हैं। अब चलते हैं पीछे, इस वाली पोजीशन को फिर से देखा जाए तो इसमें वाइट एक और चाल चल सकता है, वह है क्वीन टू a4 चेक। तो इसमें जो वाइट का मकसद क्या है, वाइट का मकसद है हमारे जो बिशप है उस पर अब डबल अटैक हो चुका है, देखिए इससे भी और इससे भी, और हमको ऑलरेडी चेक भी मिल चुका है। तो देखिए अब हमको पहले चेक बचाना पड़ेगा ऑफकोर्स, और हमारी बिशप भी जा सकता है। तो अगर हम अपना चेक बचाएंगे तो वो हमारा वो ले लेगा, बिशप ले लेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉन टेक करेंगे। एक्चुअली ये ब्लंडर था उसका बिशप लेना, अगर वो हम पॉन टेक का करेंगे, और अगर वो पॉन को टेक करता है तो यहाँ से हम चेक देंगे, और यहाँ से ऐसे करके दोबारा चेक देंगे, और ऐसे करके इसका देखिए ये चेक था और ये उसका रुक चला जाएगा। तो इस वाली वेरिएशन में मैंने आपको तीन वेरिएशन वो बता दी लश्कर ट्रैप में, कि आप किस तरीके से गेम आसानी से जीत सकते हो। अब बात करते हैं फिर से उसी गैम्बिट पे वापस आते हैं, एल्पाइन काउंटर गैम्बिट। इसमें जो वाइट है वो और भी चाले चल सकता है, जैसे नाइट टू f3। अगर वो नाइट टू f3 चलता है तो मैं आपको एक और ट्रैप बताता हूँ, अगर आप अगर वो गलत गलत चाले चलता है तो। इसमें तो देखिए, पहले सबसे पहले हम इस जो हमारा पॉन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने नाइट से, और देखिए अब वो अपना नाइट चलेगा d2 में। अब d2 में जाने का उसका वो मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि वो पहले इस वाली पोजीशन में आके तो हमारे इस पॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से भी अटैक हो जाएगा और ऊपर से भी अटैक हो जाएगा। तो देखिए पॉन पे अटैक हो जाएगा और हमारा पॉन दो पॉन टेक कर लेगा, तो d2 पे आने का यही उसका एम था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना बिशप निकालेंगे, हमारा बिशप निकाल दिया हमने, नेचुरल मूव है। उसके बाद वो उस अपनी जो उसका एम था वो उस पर जाएगा, हमारे उस पर तीनों जगह से अब अटैक हो रहा है पॉन पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले चेक देंगे। अब उसको चेक को बचाने के लिए अपना बिशप लाना पड़ेगा। अगर वो अपना बिशप लाता है तो देखिए सबसे पहले हम अपना क्वीन को आगे लाएंगे। क्वीन को आगे लाने से क्या होगा, सबसे पहले तो इस पॉन पे अटैक हो रहा है और हमारे बिशप भी बच जा रही है। हम अगर वो नाइट से हमारा पॉन टेक करता है तो हम अपने नाइट से पॉन को टेक कर देंगे। तो इसके बाद वो हमको चेक देने की कोशिश करेगा, फिर से वही कि हमारा जो बिशप है उस पर अटैक लाने की कोशिश करेगा। तो हम पहले इस चेक को बचाएंगे। अगर वो हमारा बिशप टेक करता है तो ये उसका बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, वो सोचेगा कि उसने हमारा एक एक्स्ट्रा पीस भी ले लिया है। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और सबसे बेस्ट चाल ढूंढ सकते हैं इस गेम की। अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बेस्ट चाल थी नाइट टू d3 चेक। तो देखिए ये चेक हो चुका है अब बिल्कुल, और जो ये पॉन है वो टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ये फाइल है ये पिन हो चुकी है। तो अब उसका क्वीन चली जाएगी नेक्स्ट मूव में। तो देखिए ये गेम भी आप आसानी से जीत सकते हो अगर आप इस ट्रैप पे जाते हो। अब चलते हैं पिछले वाले फिर से ट्रैप पे, इस वाले पे। इस पे एक और वेरिएशन हो सकती है कि अपना e4 चले। अगर वो अपना e4 चलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले तो अपना वो निकालेंगे, नाइट निकालेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर वो अपना नाइट नहीं निकालता है उसको दोबारा अटैक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपने बिशप से भी इस पर फिर से प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके बाद वो अपना नाइट निकालेगा। नाइट का वही मकसद है कि वो इस वाले उसमें आना चाहता है, ताकि वो इस वाले फिर से पॉन को अटैक कर सके, ट्रिपल अटैक कर सके। तो अब क्या होगा, हम सबसे पहले पॉन टेक कर लेंगे। तो अगर वो अब फिर वो आता है तो देखिए अब हमारे बिशप पे भी अटैक है,
और जो ये पॉन है इस पर तीन जगह से अटैक हो रहा है फिर से, तो इस पर क्या करेंगे हम नेक्स्ट मूव में? पहले चेक देंगे, बिशप को बचाएंगे, चेक देंगे, अगर वो अपना पॉन निकालता है तो यहाँ से, ये इसके गेम की सबसे बड़ी ब्लंडर होती है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बेस्ट चाल ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपने ढूंढ लिया तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बेस्ट चाल थी नाइट टू डी थ्री चेकमेट। तो देखिए कितना बढ़िया चेकमेट हुआ है ये। तो ये था, यही अल्पाइन काउंटर गैम्बिट था जो आप खेल सकते हो क्वींस गैम्बिट के खिलाफ। और इसमें बहुत सारी वेरिएशन थी, जो मेन ट्रैप की वेरिएशन थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त चेस खेलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।